घोटाले करने की सारी सीमा अरविंद केजरीवाल ने पार कर दी है। एक ऐसा घोटाला फिर से निकल करके सामने आ गया है। भाजपा ने एक ऐसे घोटाले का पर्दाफाश करके रख दिया है अरविंद केजरीवाल का, जिससे फिर से एक बार अरविंद केजरीवाल सिकंजे में फंस चुके हैं। उस बड़े घोटाले का पर्दाफाश करेंगे इस वीडियो में। और आगे अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट करके जो झूठ बोला है उसको लेकर के दिल्ली की जनता क्या कहती है, और उस वीडियो को आपको दिखाएंगे। उस वीडियो को देखने के बाद ये साबित हो जाएगा कि अरविंद केजरीवाल कितने बड़े वाले झूठे हैं और मक्कार हैं। सबसे पहले तो आपको लेके चलते हैं कि दिल्ली में घोटालेबाजी का जो खेल है वो समाप्त होने का नाम नहीं ले रहा है। एक घोटाले पे दूसरे घोटाले, फिर इधर से तीसरे घोटाले, घोटाले पे घोटाले। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रही है अरविंद केजरीवाल के घोटाले भी बढ़ते जा रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि केजरीवाल घोटाले करके इस बार चुनाव में जीतने की तैयारी कर रहे हैं, या फिर ये भी हो सकता है कि अरविंद केजरीवाल के सारे फंडिंग जो है वो कम पड़ गए हैं, इसलिए घोटाले का पूरा मंजर इकट्ठा करके रख दिया है। अभी दोस्तों यहां पर बड़ा मामला ये आ गया है कि दिल्ली विधानसभा में विपक्ष के नेता रामवीर सिंह बिधूरी ने एक बड़ा आरोप लगा दिया है, और इस आरोप के बाद तो पूरी तरीके से अरविंद केजरीवाल की सत्ता पूरी तरीके से हिल गई है। अभी पैनिक बटन स्कैम बहुत जोर शोर से चारों तरफ, ये घोटाला अरविंद केजरीवाल की पार्टी में हरकंप मची हुई है, क्योंकि इन्होंने ये उम्मीद नहीं की थी कि पैनिक बटन स्कैम जो है वो दिल्ली के जनता के बीच में आएगी। लेकिन ये पैनिक बटन घोटाला आखिर है क्या, और कैसे अरविंद केजरीवाल इस घोटाले को दबाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन ये घोटाला धीरे धीरे धधकता जा रहा है। और ये कोई घोटाला, छोटा मोटा घोटाला नहीं है, 500 करोड़ रुपए से ज्यादा के घोटाले हैं। अब पहले ये पैनिक बटन घोटाला है क्या, पैनिक बटन का मतलब क्या है, पहले इस चीज को मैं बताऊंगा, देन उसके बाद आपको बताएंगे कि कैसे अरविंद केजरीवाल सरकार के तरफ से, दिल्ली सरकार के तरफ से इसमें 500 करोड़ रुपए से ज्यादा के घोटाला हुए हैं। पैनिक का मतलब होता है दोस्तों घबराहट। यह पैनिक बटन अनिवार्य कर दिया था अरविंद केजरीवाल सरकार ने दिल्ली सरकार में कि हर एक बस और टैक्सी में पैनिक बटन लगाए जाएंगे। ये पैनिक बटन मतलब घबराहट की होती है, महिला को सुरक्षा को लेकर के होती है, और पैनिक का अर्थ आप समझ सकते हैं कि घबराहट होती है। तो यहां पर दिल्ली सरकार ने यह अनिवार्य कर दिया कि हर एक बस और हर एक टैक्सी में पैनिक बटन होगा, यानी किसी भी महिला को या किसी भी इंसान को, बच्चे को, अगर लगे कि मैं जिस टैक्सी में, जिस बस में बैठा हूं उसमें मेरे साथ खतरा है, मेरी रास्ते बदल दिए गए हैं, मेरे साथ लूटपाट होने वाली है, तो जैसे ही वो यात्री पैनिक बटन पे क्लिक करेगा तो एक लाइव लोकेशन पुलिस को और साथ साथ अभिभावक को वो लोकेशन चला जाएगा, और उस लोकेशन के आधार पे ट्रैक करके आप वहां तक पहुंच सकते हैं और उस यात्री को बचा सकते हैं। तो पैनिक बटन लगाने का मकसद यही था दिल्ली सरकार का, लेकिन ये पूरी तरीके से एक स्कैम में बदल गया। भले ये तो आदत है अरविंद केजरीवाल की कि ये पहले लॉलीपॉप दिखाते हैं जनता को मूर्ख बनाने के लिए, और उसमें कैसे ये घोटाले कर देते हैं। जरा देखिए कि यहां पर साफ तौर पे जो दिल्ली में 10,000 बसें हैं, ये 2019 में ये पैनिक बटन जो है वो स्टार्ट किया गया था अरविंद केजरीवाल सरकार के तरफ से, और हर बस में, हर टैक्सी में ये बटन लगाना अनिवार्य कर दिया था। तो यहां पर दिल्ली सरकार के तरफ से हर एक टैक्सी वालों से 9,000 रुपए वसूले गए। देन उसके बाद आपको बताएं कि जितने बस थे उससे 22,000 रुपए वसूले गए, यानी दिल्ली में टोटल 10,000 बसें हैं और 1,00,000 से ज्यादा टैक्सी हैं। यानी टोटल अगर वसूली का बात करें तो 500 करोड़ रुपए से ज्यादा दिल्ली सरकार के तरफ से पैनिक बटन स्कैम में घोटाला हुआ है। तो ये दोस्तों बीजेपी के बड़े नेता हैं, दिल्ली विधानसभा में विपक्ष के नेता हैं, रामवीर सिंह बिधूरी ने यह आरोप लगा दिया है, और यह कहा है कि बिधूरी और वीरेंद्र सचदेवा जी दोनों मिलकर के एलजी वीके सक्सेना से मुलाकात करेंगे, और जो पैनिक बटन स्कैम हुआ है, 500 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है, इसमें जांच की मांग करेंगे सीबीआई से।
हालांकि पैनिक बटन की मात्र कीमत ये प्लास्टिक का होता है, 5 रुपए का होना चाहिए, लेकिन दिल्ली सरकार की तरफ से ये पैनिक बटन स्कैम 500 करोड़ रुपए का घोटाला इसमें कैसे कैसे कर दिया अरविंद केजरीवाल ने, और सिर्फ ये कहकर के कि महिला की सुरक्षा हम करेंगे, लेकिन एक भी महिला की सुरक्षा अभी तक नहीं हुई है और इसमें घोटाले इतने बड़े मात्रा में हो गए हैं। तो इसका जवाब देना पड़ेगा अरविंद केजरीवाल को कि आखिर इतने पैसे आपने घोटाला आखिर कहां पे किया, वो पैसा कहां है, इसका पूरा ब्यौरा आप दें, आप किस इलेक्शन में आपने इस पैसे का उपयोग किया। अब सिर पकड़ के बैठी हुई है दिल्ली सरकार अरविंद केजरीवाल कि आखिर अब कैसे इस पचड़े से निकला जाए। लेकिन अरविंद केजरीवाल कितने बड़े झूठे हैं, कितने बड़े मक्कार हैं, जरा ये देखिए। पहले तो अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट किया कि दिल्ली में बिजली फ्री है और 24 घंटे है। ये जो ट्वीट इन्होंने किया है तो दिल्ली की जनता से ही सुनिए कि अरविंद केजरीवाल ने जो ट्वीट किया थोड़े देर पहले, तो इसमें दिल्ली की जनता का क्या कहना है। 12,510 रुपए का बिल है, एक महीने का बिल है ये मेरा। केजरीवाल साहब तो सबसे बड़े झूठे हैं इस दुनिया में, मैंने उनसे बड़ा कोई झूठा नहीं देखा, वो भ्रष्टाचारी एक नंबर के। 38,000 रुपए का बिल आ रहा है। मुझे आप अपना बिल दिखा सकते हैं, क्या पता वो कह दें आप झूठ बोल रहे हैं। दिखाइए बिल, लाइए ना। कितने का बिल है? 18,490। ये देखिए 8,400 का बिल है, फिर ये 3,400 का बिल दिखा रहे हैं। बिजली फ्री मिलती ही नहीं हो कभी भी आज तक रिकॉर्ड। क्या बात कर रहे हैं, केजरीवाल जी कह रहे हैं दिल्ली में चमत्कार हो रहा है और आप कह रहे हैं फ्री नहीं मिल रही, अभी तक कह रहे सबका जीरो बिल आ रहा है। 10,000 के 20,000 के बिल आ रहे हैं सबके, लोग बागों के 6,970। 6,970 ठीक है मैडम। और मैडम हाँ जी, आप भी कुछ बोल रही हैं। एसी वैसी नहीं है घर में, किसी किसी बिल्डिंग में एसी है ही नहीं, ऊपर से लेकर नीचे तक कोई एसी नहीं है। ये मैडम ये खाली पब्लिक को गुमराह करने वाली बात है, कहीं कोई बिल जो है माफ नहीं है। ये देखिए मैं इसको थोड़ा सा, ये देखिए ये है बिल, ये देखिए 37,520 रुपए का ये बिल है। अब दिल्ली की जनता ही ये बोल रही है कि अरविंद केजरीवाल जी 24 घंटे लाइट नहीं आ रही है, हमारे यहाँ 1 घंटे डेली लाइट जा रही है और अभी भी लाइट नहीं है, वोल्टेज अप डाउन होने की वजह से कई उपकरण भी खराब हो गए हैं। तो कई बार शिकायत की पर कोई सुनवाई नहीं है। इन्होंने अपना मोबाइल नंबर और CA नंबर भी दिया है। महेंद्र पारिक ने यह बात कही है कि 32,902 करोड़ रुपए का कर्ज दिल्ली पर है, वो कौन भरेगा, तुम तो फ्री में बांट के निकल जाओगे, ये कर्जा दिल्ली के टैक्स पेयर भरेंगे, दिल्ली के मूल आम जनता पर बोझ डाल रहे हो, ये लोग माफ नहीं करेंगे तुमको, दिल्ली वालों अभी समझ जाओ, नहीं तो दिल्ली की हालत श्रीलंका जैसी बना देगा ये रेवड़ी वाल। तो इस तरह की प्रतिक्रिया दिल्ली की जनता दे रही है और अरविंद केजरीवाल झूठ पे झूठ बोल रहे हैं। जब 24 घंटे आप बिजली फ्री दे रहे हैं तो किसी के 35,000 किसी के 10,000 बिजली कैसे आ रहे हैं, और अगर बिजली आपने दिल्ली में फ्री दिया है तो फिर पानी का बिल आप क्यों भरने को कह रहे हैं, ये सवाल अपने आप में उठ रहा है और दिल्ली की जनता जो है वो सवाल खड़े कर रही है।